कोसी से अल्मोड़ा को आने वाली पाइपलाइन मटेला के पास क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी रिपेयरिंग अति आवश्यक है, क्योंकि यही लाइन जो है आधे अल्मोड़ा की लाइफ लाइन है। अगर ये लाइन फट जाती है तो आधा अल्मोड़ा पेयजल से वंचित हो जाएगा, अतः इस लाइन को युद्ध स्तर पर रिपेयर किया जाना अति आवश्यक है। देखो जल संस्थान वालों का हाल, कौन कहता है कि जल संस्थान मेहनत नहीं करता, पूरी रात काम करता है। यहाँ फट गई है एक लाइन जल संस्थान की, ढाई बजे से जेसीबी मंगा कर ये पूरा देखो इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है। इतनी मेहनत से हमारे अर्जुन मेहता जी काम कर रहे हैं, नेगी जी, माफ कीजिएगा, ये हमारे अर्जुन नेगी जी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और 2 बजे से लगे हैं दिन में, ताकि अल्मोड़ा वासी पानी पिए। ये है रोड लेवल और इतने अंदर घुसे हैं खोदते हुए, अब यहाँ जाके लाइन मिली है। वेल्डर साहब रुको, हाँ रुको रुको रुको, वेल्डर साहब ये पूरी लाइन फटी है, ये सीमेंट इतना खोदने के बाद ये किया गया है काम। ये रोड लेवल है, पूरा फर्श चले गया है, अंदर अंदर की मिट्टी चली गई पूरी। रियली कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है जल संस्थान। रियली जिस तरह से सरहद में फौजी लगे रहते हैं, वैसे ही जल संस्थान डिपार्टमेंट विभाग इस शहर के लिए लगा रहता है दिन रात। पांच 6 मीटर का खुदान है पूरा। कल भी पाड़ोगे क्या इसको? कोई पाड़ देना है, एक ही रात को सोने नहीं है, रात छोड़ दो, कल पाड़ देना दीदी, शाम को जल्दी जल्दी क्या शाम को पाड़ दे दियो, कल शाम के समय इस पे वेल्डिंग मरवा दे यार, इस पे हाँ अब मत मार, इस पे वेल्डिंग करवा दे, इस पे वेल्डिंग करवा दो। बंदो का है ठीक।